So welcome friends once again. We shall start with next problem. Problem is given three plates A, B and C, each of area 50 centimeter square, have separation 3 millimeter. Okay, area is given 50 centimeter square and plate separation is given 3 millimeter, 3 into 10 raised to minus 3 meter. Between A and B and between A and C. So diagram will be like this. A, B, C. Diagram is given to you. This has been directly connected to 12 volt. Okay. The energy stored in the plates when the plates are fully charged, energy stored is asked. तो बेटा पहले देखो, इसको हम पार्ट में डिवाइड करते हैं. कैसे करते हैं? तो इस पॉइंट को नाम देते हैं. इसको बोलते हैं X, इसको बोलते हैं Y. तो पहले बैटरी निकालते हैं. इसको बोलेंगे X. इसको बोलेंगे y. x को क्या गया है? A का प्लेट गया है, c का भी प्लेट गया है. देखो x को a का भी एक प्लेट गया है, c का भी गया है. और नेगेटिव तो कॉमन y को है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ प्लेट a, प्लेट c. इसको बोलता हूँ प्लेट b, प्लेट b. तो प्लेट बी कॉमन है. दिस इज द फंडा इन दिस. तो अभी ये प्लेट का कितना होगा कैपेसिटेंस? सी. इसका भी कितना होगा? सी. तो सी का वैल्यू कितना आएगा? ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. और ये दो पैरेलल में, सो सी इक्विवेलेंट विल बी सी प्लस सी, दैट इज टू सी, दैट इज टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन टी. अभी हम कैलकुलेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का वैल्यू कितना आता है. सो सी का वैल्यू आएगा 50 इंटू 10 रेस टू माइनस 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट किया 8.8 इंटू 10 रेस टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 3. सो ये कितना बन जाएगा? 44 इंटू ये एक जीरो, ये माइनस 4, माइनस 12, माइनस 16, एक जीरो माइनस 15, ये 3 बच जाएगा 10 रेस टू माइनस 3. ये 3 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 10 रेस टू माइनस 12 बन जाएगा. हाँ, 3 वन ज़ा 3, 15 3 ज़ा 40 है ना. सो राउंड अबाउट समवेयर 15 10 रेस टू माइनस 2, ये क्या बन जाएगा? C बन गया. तो ये इसका डबल करते हैं. डबल किया तो कितना हो जाएगा? ये हो गया सी का वैल्यू ना, टू सी. सो 15 टू 30, 30 इंटू 10 रेस टू माइनस 12. अभी चलो आंसर देखते हैं, आंसर कितना आता है उसका. आंसर मैंने निकाला है उसका. हाँ, अभी आंसर मतलब अभी अपने को एनर्जी भी निकालना है ना. हाँ, बराबर बराबर. ये हो गया, ये क्या बन गया? सी इक्विवेलेंट बन गया. अभी इनका वोल्टेज कितने दिए? 12 वोल्ट दिया है. तो एनर्जी कितना करेंगे? हाफ सी इंटू वी स्क्वेयर. तो हाफ सी कितना है अपना? 30 इंटू 10 रेस टू माइनस 12. वी स्क्वायर कितना बन जाएगा? 12 इंटू 12. सो इसको 6 बनाते हैं. ओके, 6 थ्री ज़ा 18. सो 180 इंटू 12 इंटू 10 रेस टू माइनस 12, 0. ये इतना है, 2160 इंटू 10 रेस टू माइनस 12 आ गया. तो अभी मेरा आंसर कितना आया? 2160 इंटू 10 रेस टू माइनस 12. अभी ये माइनस 12 का 1, 2, 3, तो ये बन जाएगा 2.1 इंटू 10 रेस टू माइनस 9 जूल. आंसर आ गया, समझ गया. आगे चलते. आगे के लिए कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा प्रॉब्लम है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया आपको. ओके, टू सर्क्यूलर प्लेट्स ऑफ सेपरेशन सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर विद डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ओके, सो डी का वैल्यू दिया है आपको 5 मिलीमीटर और
इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.2, मतलब के का वैल्यू दिया है आपको 2.2। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक इज 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर चार्ज डेंसिटी। ये तो एकदम सिंपल है बेटा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा ना, सिग्मा आप कैसे लिखते हो, हाँ वो निकालने का, नहीं तो ई ई का फॉर्मूला है ना आपके पास, ई का फॉर्मूला होगा आपके पास। पैरेलल प्लेट के लिए मैंने बताया ना, ये कितना 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 सा फॉर्मूला है, प्रॉब्लम नंबर आपका 3 3, मतलब वो एक्चुअली इधर का है। अभी ये देखो, ई का फॉर्मूला आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई को बोलते हैं वी बाय डी, समझिए, ई को बोलते हैं वी बाय डी। तो आपको उन्होंने क्या पूछा है, सिग्मा अपॉन उन्होंने पूछे हैं चार्ज डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव प्लेट विल बी क्लोज टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डी दिया है, आप करो अभी। आंसर कितना आएगा आपको बताता हूँ मैं, आंसर आएगा आपका 6 × 10⁻¹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये पहले वाला दिया है, बाद में विद डायलेक्ट्रिक भी करना पड़ेगा ना आपको, तो डायलेक्ट्रिक का क्या होगा, खाली इसमें इप्सिलॉन नॉट है ना, उस इसके आगे के जोड़ने के, इसको ई डैश बोलो। और उन्होंने क्या पूछा, ई डैश से आपको पूछा है ना, तो सिग्मा निकालो अभी, वो वी भी करने का जरूरत, ई दिया है ना आपको, तो ये भी नहीं करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। तो ये आप निकालो, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा विल बी ई डैश के इप्सिलॉन नॉट, इससे करो आप, सिग्मा मिल जाएगा आपको 6 × 10⁻¹। इतना मिल जाएगा आपको, नहीं आया तो जस्ट मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालो, आई विल सॉल्व फॉर यू। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हैविंग, अरे हाँ ये तो क्या अपना फॉर्मूला है ना डायरेक्ट, तो एक आएगा हाफ सीवी स्क्वायर, दूसरा कौन सा आएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, तीसरा क्या आएगा हाफ क्यू इन टू वी। अभी इसमें कितना ऑप्शन है वो देखो, उसके मुताबिक हाफ सीवी स्क्वायर नहीं है उसमें, क्यू स्क्वायर वी नहीं आएगा, हाफ क्यू वी है का, हाँ तो ऑप्शन डी तो आएगा आपका, और हाफ सी वी नहीं, क्यू स्क्वायर वी नहीं, तो डी ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आएगा। फिफ्थ मैंने मेरे ख्याल से मैंने सॉल्व करके दिया है आपको। ओके, ये तो क्या कॉमन पोटेंशियल वाला है, हाँ तो सिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा, डायरेक्टली कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करो। कॉमन पोटेंशियल ध्यान में है आपके, क्या मैं बोल रहा हूँ, वी इज इक्वल टू, यस यस, वी इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। ये इसमें क्या आता है, ये आता है चार्ज क्यू वन ऑन फर्स्ट, ये आता है चार्ज क्यू टू ऑन सेकेंड, तो अभी सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, आंसर आता है आपका, आंसर 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 एक मिनट ना, कॉमन पोटेंशियल पूछा है ना, आंसर आपका आएगा 133.3। चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये निकाल के लो, क्योंकि आपको सब दिया है ना उन्होंने, क्या क्या दिया है देखो, 10 दिया है, 20 दिया है ना, 200 100 दिया है, तो दोनों का भी दिया है, सी वन प्लस सी टू पिको फैराडे 10⁻¹, वो ख्याल रखो आप, वो निकालो आपका आएगा। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ द, हाँ सिक्स प्रॉब्लम आप डायरेक्टली करो, मैंने गलती से दिया है वो, एक्चुअली आई हैव सॉल्व दैट, मैंने सॉल्व करके दिया है आपको, आई थिंक पिछले वाले या पिछले से पिछले वाले वीडियो में मैंने वो सॉल्व किया है, तो फिर से मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगा। सेवन देखो, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, सेवन, मैं रुकता हूँ एक दो मिनट के लिए, आपको पॉज करो, मिल गया,
Spherical conductor of radius 2 cm is uniformly charged with 3 nanocore. What is the electric field at a distance of 3 cm from the center of the sphere? अभी कुछ नहीं, electric field find करने के लिए बोले हैं. ओके, तो मैं बोलता हूँ आपको, ये भी आप मत करो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम है, इस एग्जाम के लिए आपको यूज होना है. आपको वो स्फेरिकल कंडक्टर का कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर लो आपके हिसाब से. स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला यूज करो, रेडियस इज गिवन, ओके, और डिस्टेंस इज गिवन. मतलब आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट कैलकुलेट वी, क्योंकि उन्होंने दिया है ना, उसका रेडियस भी दिया है ना, यस, आर दिया है और चार्ज दिया है, मतलब क्यू दिया है और आर दिया है, बराबर. तो सी निकालोगे 4πε0 आर, उसमें से निकालोगे और क्यू है दिया है, तो क्यू क्यू इज इक्वल टू सी वी, सो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, से वी निकालो, वी निकालने के बाद ई इज इक्वल टू वी बाय डी, उसके उसका सॉल्यूशन निकालो, वो हो जाएगा. ओके, नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10, है ना, 8, 9 and 10. वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल क्लीन द बोर्ड एंड स्टार्ट. तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नंबर 8, एट में क्या दिया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मासेस m1 एंड m2. ओके, मतलब ये अगर प्लस है, प्लस q, तो ये है माइनस q. उनका मास कितना दिया है, m1 एंड m2, आर एक्सेलरेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस. तो अगर मैं सोचता हूँ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको एक सेम डिस्टेंस पे एक्सेलरेट किया, इसको और इसको, ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम डिस्टेंस डी और डी. बाद में क्या बोले, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस इफ द रेशियो ऑफ द मास इज m1 बाय m2 इज 0.5. इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, तो m1 m2, तो m1 बाय m2 दिया है आपको 0.5, हेलो, नाउ हियर टू फोर्सेस आर देयर. ओके, फ्रॉम मैकेनिक्स व्हाट वी कैन राइट, f इज इक्वल टू ma इंप्लाइज F1 will be equal to M1A, F2 will be equal to M2A. लेकिन क्या है, दोनों भी charges same है, but ये अगर आपको लिखना है तो आप लिख के भी ले सकते हो, मैं पूरा solve करके दिखाने वाला हूँ आपको, है ना, but Q, इसको बोन बोलते हैं, Q2 बोलते हैं, Q1 and Q2 कैसे दिया है, R equal एंड अपोजिट. अगर वो इक्वल एंड अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, यहाँ इसको पॉजिटिव पकड़ लो, सपोज यहाँ इसको निगेटिव पकड़ लो, तो जो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नहीं जाएगा, वो ये यहाँ जाएगा, और वो निगेटिव यहाँ नहीं जाएगा, इधर से यहाँ आएगा, ऐसे पकड़ो, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक इधर जाएगा एक इधर, मतलब ऐसे जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो यहाँ से अगर मैंने चालू किया तो दिखाता हूँ आपको. If I start with here, my two charges will go like this. देखो भाई, बस जितना डिस्टेंस ये जाएगा इधर, वन, उतना डिस्टेंस ये इधर जाएगा, हो गया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये भी डी बन गया, ये भी डी बन गया. अगर दोनों भी डी बन गए तो मतलब क्या है, इफ यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लगेगा यहाँ पे, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दिस विल रिपेल एंड दिस विल अट्रैक्ट. वैसे ही
ये इधर आया मतलब ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, इट मीन्स दैट एफ ई विल बी सेम। और अपने यहां अप्लाइड फोर्स कौन सा है, अप्लाइड फोर्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो जो मैंने लिखा था एफ वन इज इक्वल टू एम वन ए, एफ टू इज इक्वल टू एम टू ए, हियर व्हाट आई कैन राइट इज दैट, वेट फॉर अ व्हाइल, व्हाट आई कैन राइट इज एफ वन इज इक्वल टू एफ टू। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वन ए वन इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, ए वन और ए टू ये दोनों भी एम टू ए टू। तो अभी एम वन अपॉन एम टू, ए वन अपॉन ए टू पूछा है, तो ए वन अपॉन ए टू विल बी एम टू अपॉन एम वन। अगर ये पॉइंट फाइव है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, वन बाय पॉइंट फाइव, ए वन अपॉन ए टू ना विल बी एम टू अपॉन एम वन, वन बाय पॉइंट फाइव कितना हो जाएगा, टेन बाय फाइव है ना, तो टू आएगा। तो अभी उन्होंने आंसर कितना दिया है, आंसर आप लोगों को दिया है, आंसर आएगा टू, लेट मी चेक इट, यस आंसर इज कमिंग टू, वेट फॉर अ व्हाइल, देयर इज सम प्रॉब्लम फॉर माय कंप्यूटर सो इट इज रिस्टार्टिंग विदाउट यूपीएस, इट इज देयर इन दिस लॉकडाउन पीरियड, आई फॉरगॉट टू टेक द यूपीएस बिफोर दैट ना, सो आई एम फेचिंग मेनी प्रॉब्लम्स। ओके तो ये समझ गया आपको, मासेस दिया है और एक इधर जाने वाला है एक इधर जाने वाला है, तो फोर्स तो सेम रहेगा लेकिन मैकेनिक्स के रूल में एम वन ए वन ये आएगा एम टू ए टू, अगर वो दोनों सेम है मतलब क्या ले सकते हैं, एम वन ए वन विल बी इक्वल टू एम टू ए टू, ये ऐसा आएगा। इसके बाद का नाइन क्वेश्चन है वो गॉस थ्योरम से, अभी मत करो उसको, वेन एवर वी विल गेट टाइम आफ्टर द एग्जाम इज ओवर वी विल डू दैट, नो प्रॉब्लम, वंस अगेन वेन वी विल टेक द रिविजन एट दैट टाइम वी विल डू दैट। अभी लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में क्या है और बाद में विल कॉल इट डे फॉर फिजिक्स, बाकी के सब्जेक्ट आपके चलते रहेंगे। लास्ट में क्या पूछा है, टू कॉन्सेंट्रिक मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियस, ये तो डायरेक्टली आएगा आपको है ना, तो उसमें क्या करो, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, ओके आपको बोलता हूँ, ओके वो रीड करने का जरूरत नहीं लेकिन मैं फिर से रीड करता हूँ आपके लिए, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल्स ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू, आर टू ग्रेटर देन आर वन, ये मतलब ये आर टू अगर है तो ये बड़ा वाला बन जाएगा और ये छोटा वाला आर वन वाला बन जाएगा है ना, इफ द आउटर शेल इज चार्ज क्यू एंड इनर वन इज ग्राउंडेड, अरे एकदम सिंपल है बाकी कुछ नहीं है, तो ये मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला देता हूँ आप करो, एकदम सिंपल है। क्या करने का, टोटल चार्ज इज कॉन्जर्व, कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब Q1 प्लस Q2 को जीरो करो, अभी Q1 कितना आएगा, हाँ तो एक एक को Q बोलो एक को Q डैश बोलो, तो इसको मैंने मेरे एग्जांपल में मैं R1 को Q डैश बोला हूँ और RQ को Q बोला हूँ, तो अभी करो मेरे केस में मतलब उन्होंने दिया है शायद प्रॉब्लम में, देख लो रीड करके लो, तो कुछ भी नहीं इसमें क्या आएगा, K Q डैश अपॉन R1 प्लस K Q डैश अपॉन आर टू विल बी जीरो, तो क्या आएगा के क्यू डैश अपॉन आर टू इज इक्वल टू माइनस के क्यू, सॉरी सब दोनों के ऊपर लिखा मैंने, सॉरी आर वन विल बी के क्यू अपॉन आर टू, के तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू डैश विल बी माइनस आर वन अपॉन आर टू इंटू क्यू, देखो आपका कितना आता है, यू चेक फॉर दैट। So in this way we have completed today's problem solving, पहले मैंने जो session लिया है आपका revision का उसके मुताबिक आप revision करके लो, अगर आपको कुछ study material वगैरह चाहिए then you ask for me, मेरे पास जो होगा उसका मैं pic भेजूँगा, अगर ये जो video का सब है material अगर ये PDF का आपको चाहिए from 11 to 16 तो आप स्कूल में जाके आपके पेरेंट्स को वगैरह किसी एक को भेज के, कीपिंग द सोशल डिस्टेंसिंग, किसी एक को भेज के आप बोल सकते हो, भेजने से पहले वालिकर अंकल को बोल के रखो कि आई वांट दैट, ओके थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।